हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से अभी के सिनेरियो में निफ्टी का जो मूवमेंट देखा जा रहा है, और मुझे इस सेकेंड हाफ में वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कल की छुट्टी है और आज अभी 2 बज रहे हैं, 1:50 हो रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और जब तक अपलोड होगा 2 बज जाएंगे। तो ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए? कल का एक छुट्टी है, फिर परसों वेडनेसडे को मार्केट ओपन होगा। तो मेरा व्यू एक्चुअली, मैं खाली बैठा था इसलिए अपने काम कर रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा सोचा कि एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग को अवॉइड करना है अभी, और कोई भी डिसीजन बाई साइड में नहीं लेना है। और कल की छुट्टी होने के कारण वेडनेसडे को जो एक पुल बैक का उम्मीद किया जा रहा है 11,270-80 का, मे भी वेडनेसडे को आ जाए फर्स्ट हाफ तक, उसके बाद क्या? उसके बाद तो थोड़ा सा नीचे का ही उम्मीद है। एक्सपायरी जो है, हमें लगता है कि 11,100 से लेकर के 11,250 की रेंज में होने वाला है इस थर्सडे की एक्सपायरी, तो हम उसी बीच में ट्रेड कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के और कुछ नीचे चला जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। निफ्टी को तो मैनेज किया जा रहा है, लेकिन ये मैनेजमेंट जो भी है निफ्टी को 11,300 के ऊपर ले जाने में तकलीफ करेगा। 11,300 के ऊपर जाने के लिए मे भी फ्राइडे के सेशन में चला जाए या उसके बाद के ट्रेडिंग सेशन में चला जाए, लेकिन अभी मार्केट को बिल्कुल भी अवॉइड करना है। मार्केट में अप ट्रेंड जो है बहुत ही कम टाइम के लिए आएगा, लेकिन कंटिन्यू डाउन ट्रेंड का ही चांसेज है। 14 अक्टूबर के बाद बाजार में जो तेजी आएगी, जिसकी शुरुआत 11 अक्टूबर से हो जाना चाहिए, और ब्रेकआउट 14-15 को मिलेगा, वो भी तेजी कहाँ तक चलेगा? वो भी कोई वैसा तेजी नहीं कि आप बहुत बड़ी तेजी खेल सकें, वो तेजी भी कहीं ना कहीं सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही लेके आएगा। तो बाजार में इस तरीके के माहौल में कोई भी बाइंग पोजीशन या सेल साइड पोजीशन लेकर के कैरी करना ओवरनाइट सही नहीं है। तो इस पर्पस से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और जिस तरीके से आवरली चार्ट पे लगातार एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग में है, सुबह के हाई जो था 11,233 उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, और लोअर लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो कुल मिलाकर के निगेटिव जोन में है। और यहीं पे मैं वीडियो को वाइंड अप करूंगा, और जो भी एंट्री एग्जिट अपनी स्टडी एनालिसिस पे ही करें, क्योंकि तो यहाँ पे ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस से हम एनालिसिस कर रहे हैं। और भी आप स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक एनालिसिस के लिए आप इस वीडियो इस यूट्यूब से जानना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, तो इस वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मैं फार्मा सेक्टर के स्टॉकों पे जिस तरीके से गिरावट देखी जा रही है, और भी सेक्टर के स्टॉकों पे, बैंकिंग सेक्टर के स्टॉकों पे गिरावट देखी जा रही है, उनकी कंप्लीट एनालिसिस मैं करूँगा आज के ट्रेडिंग सेशन में। और कल भी छुट्टी है तो पूरे वीडियो अलग अलग सेक्टर वाइज और स्टॉक वाइज एनालिसिस हम करेंगे आने वाले 24 आवर सेशन में। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, और जो भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन ले अपने स्टडी एनालिसिस पे, न कि हमारे व्यू पे। तो ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, और यहाँ पे जो भी मैं व्यू देता हूँ एक कोशिश होती है कि एक अच्छा व्यू निकल के आए, और मार्केट उसी तरीके से रिएक्ट करने की कोशिश करे जिस तरीके से हम अपनी व्यू को अपडेट करते हैं। तब तक के लिए बाय। ओके।